नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ महक दीक्षित। जयपुर में सड़क सुरक्षा के अंतर्गत तो बड़े चौपड़ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जयपुर की बड़ी चौपड़ पर आज समाज को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये सर्वविदित है कि कोरोना काल में निर्भया स्क्वाड ने जान जागरण के अलावा जिस तरह से आम जनता की सेवा की, आज भी बड़ी चौपड़ पर बेटी और महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें बेटे और बेटी में अंतर ना करने का संदेश भी दिया गया। निर्भया टीम की लीडर की ओर से DCP सुनीता मीणा ने बात करते हुए बताया कि आज बेटी को भी उनका हक मिलना चाहिए, जैसे घर पर बेटों को हर जगह जाने की आज़ादी होती है। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसी बात के ऊपर जोर दिया गया कि कैसे आज भी बेटी को घर में तमाम तरह की सामाजिक बंदिश में रखा जाता है और घर के बेटों को उतनी ही आज़ादी दी जाती है। नुक्कड़ नाटक में हिस्सा लेने वाली बालिकाओं ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए इसी बात को दोहराया और कहा कि बेटी भी समाज का एक हिस्सा है और उसे भी उतना ही सम्मान और आदर मिलना चाहिए जितना कि बेटों को दिया जाता है। कार्यक्रम में निर्भया टीम के सदस्यों ने हाथ में नारे लिखे, पट्टिका और बैनर लेकर कार्यक्रम को सफल करने में पूरा सहयोग दिया। ना हमारा उद्देश्य नहीं, बस सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में ही सही, कहीं तो आग जलनी चाहिए। और नुक्कड़ नाटक आज महिला सशक्तिकरण के लिए हमने जो बड़ी चौपड़ पे कराया, जो हम आज गौरव टावर के पास में कराना चाहते हैं, जन जागृति फैलाना चाहते हैं कि महिला का सशक्तिकरण जरूरी है। और यही हम लोग संदेश, अभी राष्ट्रीय महिला दिवस गया, अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है, लगातार इस पूरे टाइम पर हम लोग करते रहेंगे। हमारा प्रयास यही है कि हमारी सूरत यानी कि महिला सशक्तिकरण चेंज होना चाहिए और होना ही चाहिए और हर घर से शुरुआत होनी चाहिए। मात्र बातें ना हो, प्रयास होने चाहिए और हर घर से होने चाहिए। इसीलिए हम लोग जन जागृति अभियान कर रहे हैं। निर्भया घर घर जाकर ये अलग जगा रही है और पूरे साल ये अलग जगाने वाली है कि हमें महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करने हैं और एकजुट होकर महिला ही महिलाओं को आगे लाए, ये भी शुरुआत करनी है। लाउड बोलना पड़ेगा। जयपुर कमिश्नरेट ने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी। उसी मिशन के तहत नारी अपराधों को देखते हुए, उनमें बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, एक जन जागरूकता को लाने के लिए, समाज में मूक दर्शक बने रहने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए ये नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जैसा कि इन लड़कियों ने इस नाटक के माध्यम से बताया कि समाज का हर वर्ग नारी अपराध को देखते हुए भी, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में हो चाहे घर के अंदर हो, सभी चुप रहते हैं। उस चुप्पी को तोड़ने के लिए इस नाटक का आयोजन किया गया। अपना नाम बता दे। सर, मेरा नाम अंजू चौधरी है। आप निर्भया स्क्वाड से हैं, क्या आज क्या सोच करके ये जो आयोजन था, क्या देखा और क्या महसूस किया आपने? सर, हमने बहुत अच्छा महसूस किया कि हमारी मैम ने इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया। ये नुक्कड़ नाटक के जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं उसमें चाहे लड़की की गलती हो, गलती हमेशा लड़की की आती है, ऐसा क्यों होता है और कब तक होता रहेगा, ये सोच हमें बदलनी है। जो गुनहगार है उसको सजा देनी चाहिए। लड़कियाँ कब तक इस चक्कर में रहेंगी कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक पाबंदी हमें अपने लड़कों पे लगानी है कि हर लड़की अपनी बहन है। इस नजरिए से अगर हर लड़की को देखने लगेंगे तो समाज में ना पुलिस की ज़रूरत रहेगी, ना किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और इस नुक्कड़ नाटक के जरिए हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं। और इस नुक्कड़ नाटक के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप पाबंदी लड़कियों के जगह लड़कों के ऊपर लगाएंगे तो लड़कियां उतनी ही सुरक्षित रहेंगी और लड़के उतना ही कम आवारागर्दी कर पाएंगे। तो इसलिए हम ये नाटक के जरिए सबको बताना चाहते हैं कि जैसे छोटे शहरों में और गाँव में सब लोग अपनी लड़कियों पर पाबंदी लगा के उन्हें घर से ना जाने की मोहलत देते हैं, बट अगर आप लड़कों को रोकेंगे तो लड़कियाँ वैसे भी सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।